अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है बच्चे? उम्मीदें अच्छी होंगे। अच्छा बेटा, ये लेक्चर नंबर 9 है जुमतुल मुबारक का, जमात शशम के लिए उर्दू का। हम बी असगरी के मकतब का अहवाल। ये चैप्टर काफ़ी लंबा और इसी में उर्दू काफ़ी मुश्किल थी, इसको ज़्यादा टाइम लगा। ये तीसरे दिन पे जा रहा है रीडिंग में, समझ आ गई ना बेटा? 3 दिन से हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं, दो पैराग्राफ, दो दिन हमने रीडिंग की, हाफ 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 करके तीन हिस्सों में इसको तकसीम करके मैंने पढ़ाया है। इसमें एक लड़की का जिक्र है, हुसन आरा, जो कि थोड़ी अमीर और नाजो नाम में पलने की वजह से वो आदत उसकी अच्छी नहीं होती। सिर्फ उसमें एक खूबी होती है कि उसको अगर अच्छे तरीके से कोई बात समझाई जाए, अच्छी बात, तो वो समझ जाती थी। इस चीज़ का सहारा लेकर असली बी ने उसको पढ़ाने का जिम्मेदारी ली थी। और जब स्कूल में बैठी तो 10 बच्चियाँ पहले से स्कूल में बैठी थी, उनके बारे में उसकी जो राय थी, आपने अभी वही पढ़ रहे हैं ना कि वो काली चेचकजदा कौन है और वो उसके वालिद क्या करते हैं, इस टाइप की वो ज़रा थोड़ी सी तंजिया गुफ्तगू करती है। तंजिया गुफ्तगू अभी जारी है उसकी, और महमूदा जो कि नंद है स्टोरी की, वो उसको बड़ा ऐसा अंदाज अख्तियार करती है जिससे उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। यहाँ तक मिलती है, हमने पढ़ा था महमूदा अमीरों के घर कली करने से फुर्सत नहीं मिलती, यानी उनको फारिग वक्त ही नहीं मिलता। वो अमीरों के घर में पहले कली कर रहे हैं। वो अगर लड़की तंसिया कहती है ना, तक कि इनके बाप अगर कली करे तो अपनी बेटी जितनी कली है, चमकदार स्या रंग का शेर रखा हुआ लगती है, यानी शेर एक वजन होता है उसका रखा हुआ है, ऐसा महसूस होता है इसको देख के, चमकदार काला रंग है इसका, तो इसको वो भी ज़रा सफ़ेद कर दें, इसमें अगर कली कर दें, बर्तन कली करते थे ना वो उसके वाले। हुसन आरा अच्छी अच्छी ये कौन अच्छा, ये कौन लड़की बैठी है ऐसे रोते भी, तो इसकी सूरत कितनी बदरौनक हो जाती है, यानी कितने इसके बुरे तासुरात होते होंगे रोते वक्त, इसकी शक्ल इस टाइप की है। मुझे ये शक्ल व सूरत पे ज़्यादा अहमियत दे रही, जबकि उस स्कूल की बच्चियाँ इन चीज़ों को अहमियत नहीं देती थी। महमूदा रोते भी तो सबों की सूरत बिगड़ जाती है, सबों की सूरत ख़राब हो जाती है। हुसना हमारी तो नहीं बिगड़ती, आपने क्यों कर जाना? वो उससे पूछती है कि आपने कैसे जाना ये। हुसना मैंने रोते में अपना मुंह आईने में देखा, आईने शीशे में देखा तो खासी प्यारी प्यारी सूरत थी, बल्कि लाल मुंह हो जाने से चेहरा और भी गरम गरम निकल आया था, यानी खूबसूरत हो गया था, लाल रेड कलर हो गया था, पिंक पिंक और रेड मिक्स हो जाता है ना, जब चेहरा जब आपको कोई गुस्सा या तकलीफ पहुंचती है तो जो आंसू निकलते हैं ना, तो चेहरे पे एक अजीब सी वो कैफियत होती है। महमूदा रोती सूरत तारीफ मैंने आप ही से सुनी है, खैर आपको आपका बसूरता हुआ, यानी रोता धोता जो हुस्न है वो मुबारक हो, यानी खूबसूरती मुबारक रोने की, यहाँ उसका कोई ख्वाह नहीं है, यानी इसका ख्वाहिशमंद कोई नहीं है, हमें इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं कि कोई बुरा लग रहा है रोते हुए या अच्छा लग रहा है, हम उसकी अपनी शख्सी खूबियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस तरह हुसन आरा ने 2-4 फपतियाँ यानी तंजिया मजाक किए तो महमूदा ने कुछ दाद ना दी, उसने कोई उसकी तारीफ ना की, दाद ना देना, तारीफ ना करना। आखिर हुस्न आरा खिसियानी शर्मिंदा होकर अपना मुंह लेकर रह गई। ये लफ्ज लिखे हुए मीनिंग जो मुश्किल है रेड में, ये लोग भी ये वाले भी आप लोगों ने लिखने और याद करने होते हैं साथ साथ। मगर पहले ही दिन से अमीरे के जोम में, जोम इन नाज घुमंड में, उसने मकतब में अपना ऐसा तसल्लुत बिठाया, यानी अपना ऐसा कब्जा किया कि सब लड़कियां जैसे उसकी गुलाम नुकरानियाँ हो, या अपनी अमीरी का उसको बहुत घमंड था ना, तो उस अमीरी की वजह से ये गरीब बच्चियां थी तो इनके पर तंज कर रही है। और बेतकल्लुफ होने लगी, बनावट के बगैर सब पर हुक्म चलाने लगी, बेतकल्लुफ तो होने लगी लेकिन उसकी बेतकल्लुफी में भी गरूर था, यानी कुदरती जो अंदाज होता है बंदे का वो था, लेकिन ये उसमें गरूर पाया जाता था। असगरी खानों को इब्तदा में इसका एहतमाम ज़रूर था, वो इस बात का बंदोबस्त ज़रूर करना चाहती थी कि हुसन आरा को मकतब से बददिल ना होने पाए, वो ये चाहती थी कि इसको बददिल ना किया जाए,
क्योंकि उनको बाखूबी मालूम था कि अगर कहीं इस बात कहीं इसका जी उचाट हो गया, यानी ये इसका दिल तंग दिल भर गया या दिल तंग हो गया, दिल ना लगा, तो फिर ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, यानी ये मुहावरा है, यानी कोई भी तब्दील कोशिश कर ले, फिर वो स्कूल की वो खुदा की बंदी मकतब की तरफ रुख ना करेगी, वो स्कूल की तरफ नहीं आएगी अगर उसका दिल उचाट हो गया, दिल ना लगा तो। मकतब की लड़कियां तो हुस्न आरा का तर्ज मदारात खातिर तवाजो मिलने मिलाने का तरीका देखकर खटक चली थी, बिगड़ गई थी, उन्हें इसका नदास ये उनको नुकरानियाँ बना के बड़े हुक्म चलाती थी, तो वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी, उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, और आम नफरत इसकी तरफ से सबको हो गई थी, मतलब उनके दिल इसकी तरफ से खट्टे हो चुके थे, यानी वो अच्छा नहीं समझती, जितना वो अपने ताई खींचती थी, जितना वो कोशिश करती थी कि इसकी तरफ लड़कियां हैं, लड़कियां उससे दूर होती थी, किनारा कशी करती थी, दूर होती थी, जिस कदर वो लड़ाई की लेती, ये लड़ाई करने की कोशिश करती, लड़कियां उसको जलील समझती, उसको गलत समझती थी। असगरी ने इशारे से सबको रोक दिया और महमूदा से कहा कि हुस्नारा बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी उम्दा सहेली तुमको हाथ लगी है, थोड़े दिन सब्र करो, इसे बददिल मत होने दो, बेचारी तायरे वैशी की तरह कफर गिरफ्तार कफस है, तायरे वैशी वैशी परिंदा और गिरफ्तार है कैद में है अपने नफ्स की, पिंजरे में कैद है, अगर कहीं तुमने इसको भड़का दिया, इसको बदल कर दिया या नाराज कर दिया, तो फिर फड़फड़ा जाएगी, यानी उड़ जाएगी और फिर पकड़ाई ना देगी, अगर परीचा पाया यानी राजी होगी और अपने तरीके पर ले आना, तो देखना कैसी कैसी मीठी सफीरें सफीरें बोलियां परिंदों की और दिलों को लुभाती हैं, मीठी मीठी कैसी कैसी मीठी सफीरें सुनाती है और दिलों को लुभाती है, दिलों को खुश करती है। ये पैराग्राफ में इसने ये बताया गया है कि वो जो स्कूल टीचर है वो बच्चियों को मना करती है कि तुम इसको बददिल ना करो, क्योंकि ये बेचारी पिंजरे में कैद वहशी परिंदा है, इसको ये अगर नाराज़ हो गई या भड़क गई का मतलब ये नाराज़ हो गई तो फड़फड़ा उड़ जाएगी, यानी बददिल हो जाएगी ना, तो फिर वो स्कूल की तरफ नहीं आएगी और फिर उसको स्कूल की तरफ राहुल करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मीनिंग ये मुहावरा लफ्ज़ है, इनको मीनिंग इस तरह से है, अगर प्रीचा पाए यानी अगर वो राज़ी होगी और तुम्हें तुम लोग की तरीक़ेकार पर आ गई, तो फिर वो बहुत अच्छी लड़की साबित होगी और तुम लोगों को ऐसी बातें बताएगी और सुनाएगी जिससे आप दोनों को खुश कर सकेंगे, आपको दिल खुश हो जाएंगे। बार तो लड़कियाँ दिलदारी पर आमादा हुई, यानी उसके दिल को मायल करने पर स्कूल के तैयार हो गई। उधर उस्तानी जी ने पढ़ने लिखने का नाम तक मुंह से ना निकाला, कुछ वर्षे के लिए वो पढ़ने पढ़ाने की तरफ उन्होंने बात नहीं की टीचर ने, क्योंकि वो चाहती थी कि किसी तरह ये बच्ची एडजस्ट कर जाए। फिर हुसन आरा को वहशियत की क्या वजह है, उसको क्या घबराहट थी, वो तो मज़े से वहाँ स्कूल आ रही थी। थोड़े ही दिनों में लड़कियों से ऐसी बेतकल्लुफ़ हुई कि मुद्दतों के साथ खेली हो, मुद्दतों से यानी उसका एक कुदरती पन था, बनावट नहीं थी, इसलिए वो जल्दी उनकी दोस्त बन गई और ख़ुद फरमाइश और तकाजा करके महमूदा की गुड़ियाँ खुलवाईं, यानी वो उनके साथ मिलने जुलने में बुराई नहीं, पहले शुरू शुरू में तो दूर रहती थी ना, और महमूदा ऐसे उसने पूछने क्या और हर बच्ची के ऊपर तंज किया, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ मायल होगी और इनकी टीचर इस बात में कामयाब हो गई कि वो इसको पढ़ा सके। आगे मैं आपके इमला के वर्ड बोल देती हूँ, बद रौनक बसूरता ख्वाब फप्तियाँ खिसियानी जोम तसल्लुत लोंडियाँ एहतमाम बेतकल्लुफ जी उचाटुआ तर्ज़े मदारात खटक भड़का दिया तायरे वैशी गिरफ्तार कफस रीचा पाया यानी राजियों की सफीरें बोलियाँ परिंदों की बोलियाँ दिलों को लुभाती आमादा वहशत। अब इनमें कुछ मुश्किल अल्फाज जो मैं उसमें नहीं लिखे हुए वो मैंने लिखवाए हैं, जो उसमें लिखे हुए वो आपने ऐड कर लेने हैं। इसमें बद रौनक खुशगवार तासुर न होना बेरौनक होना लौंडियाँ नुकरानियाँ बेतकल्लुफ़ बनावट के बगैर कुदरती एहतमाम बंदोबस्त। उनकी टीचर ने यह ख्वाहिश का इजहार किया था कि इसको आप लोग बददिल ना करें,
मदारात, खातिर तवाजो, या किस तरह से पेश आता है आपके साथ? खटक जाना, बिगड़ जाना, वहशत, घबराहट, आमादा, तैयार हुई, दाद ना दी, तारीफ ना की। ये लफ्ज़ लिख लेते हैं। तारीफ ना की, ठीक हो गया बेटा? ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है, और इसको चैप्टर को दोबारा से पढ़ें। जो मुश्किल अल्फाज इन्होंने रेड में लिखे हुए हैं उनको अपने पास लिख लें, लिस्ट बना लें और याद करें। और ये जो मैं करवाती हूँ इनको भी याद करें साथ। अल्लाह हाफिज़ बेटा।